नमस्कार, परफेक्ट टाइमलाइन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साकेश फड़ियाल। उधमपुर जिले के बस्ट इलाके में भी एक एसपीओ गुरनाम सिंह के मकान में आग लग गई। आग लगने का कारण तो नहीं पता चल पाया, लेकिन फायर ब्रिगेड के लोग जो हैं वो देखिए किस तरह से आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार गर्मी को लेके जो है टेम्परेचर जो है वो लगातार बढ़ रहा है और आग लगने की घटनाएं जो है वो लगातार सामने आ रही हैं। सुबह भी एक टायर की दुकान में उधमपुर के TCB में आग लगने की घटना जो है वो सामने आई थी और हम तस्वीरें आपको चिनैनी से दिखाते हैं। देखें किस तरह से बस्ट इलाके में पुलिस में तैनात SPO गुरनाम सिंह के घर में आग लगने की घटना जो है वो सामने आई है। देखें किस तरह से फायर ब्रिगेड के लोग जो हैं वो आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं और स्थानीय सरपंच जो लोग क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे। परफेक्ट टाइमलाइन के लिए उधमपुर से राकेश फड़ियाल की रिपोर्ट। बस लाओ लाओ है नहीं ब्रांच मैंने पहले SHO साहब को फोन किया, उसके बाद SDM साहब को फोन किया और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी बहुत सारी मदद की है। हमारे फायर ब्रिगेड के जितने भी टीम थी वो मौके पर जल्दी पहुंच गई, 15 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पहुंच गई। और मेरी आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट रहेगी क्योंकि इसका जल्दी से जल्दी असेसमेंट किया जाए और काफी बहुत सारा नुकसान इनका हुआ है। गरीब आदमी है, जब चाहे SPO है तो SPO का मकान आपको पता है कितनी मेहनत से मकान बनता है। तो मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सब डिवीजन चिनैनी की एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे पटवारी साहब आए हैं, हमारी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि पटवारी साहब से पर्सनली मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसका जितना भी हो सके एस्टिमेट करके जितना इनका नुकसान हुआ, आप देख सकते हैं कि एक भी चीज अंदर से इतनी जनता थी कोई नहीं बचा सका क्योंकि आग बेकाबू हो चुकी थी। हमारे फायर ब्रिगेड ने बहुत मदद की, हमारे SHO साहब ने मदद की, चिनैनी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी मदद की है और मैं दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करना चाहूंगा आपके माध्यम से, पूरी जनता का, बस्ट करला और चिलियाड़ की जनता का, जिन्होंने पूरी कोशिश की आग को काबू में पाने के लिए मगर आग को काबू नहीं पा सके। तो इसके लिए मेरी पुनः फिर रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसका ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके जल्दी से जल्दी इनको रहने के लिए कोई मकान का ऐसा बंदोबस्त किया जाए और इनकी असेसमेंट जो है वो अच्छे तरीके से, पटवारी साहब से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी क्योंकि ये मौके पर जल्दी ही पहुंच गए थे, तो इनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि असेसमेंट जो है वो की जाए और इनका उचित जो मुआवजा बनता है वो गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी सहायता हो सकती है वो करे। और आपके माध्यम से मेरी लोगों से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना जितना अपनी तरफ से आप इनकी मदद कर सकते हो गरीब फैमिली की, तो गरीब मदद की जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जनाब मैं तो घर में था नहीं जी, मैं ड्यूटी था, तो ड्यूटी से अपने सरपंच साहब ने बस्ट से फोन किया SHO साहब को कि ऐसे गुरनाम के घर में ऐसे आग लगी है, जब तक पूरे लोग इकट्ठे हुए तो आग तब से मतलब काबू से बाहर चली गई थी। अच्छा, तो आग के ऊपर कोई काबू नहीं आया जी, तो तब तक थानी सिस्टम अब क्या करता बंदा। यहाँ आपने जब आप घर में पहुंचे तो आपने देखा यहाँ पे नुकसान कितना हुआ है, क्या क्या हालात रहे? जनाब पूरा सारा सिस्टम ही खत्म हो गया, तो पूरे आवाम सब जो हमारे सब पड़ोसी है सब इकट्ठे हो गए थे बेचारे, तो आप क्या करते, आग पे कोई काबू नहीं था, कुछ भी नहीं बचा इसमें है? कुछ भी नहीं बचा, 1-1.5 लाख रुपए था वो अंदर रखा था डेड ने। SHO साहब को कॉल की कहाँ से गई जी? SHO साहब को कॉल किसने की? सरपंच साहब ने की। अच्छा जी जी,